बीआर रैंक का नया सीजन आते ही मैंने ओनली सोलो के अंदर 24 आवर रैंक पुशिंग करके ग्रैंड मास्टर रैंक को तो काफी इजीली अचीव कर लिया था। उसके बाद मुझे करना था वेपन ग्लोरी पुशिंग एंड उसके लिए मैं गन चूज करता हूँ M187 क्योंकि लास्ट सीजन इसी गन का सीरीज मेरा इनकम्प्लीट रह गया था। सो ये मेरा रहने वाला एपिसोड 1 जहाँ पे मैं M187 के अंदर टॉप 1 के लिए पुश कर रहा हूँ। साथ ही में रिसेंटली हमारे गेम के अंदर ओबी अपडेट भी आया जिसके वजह से गेम में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो अभी चलो मैच को स्टार्ट करके देख लेते हैं मैं सोलो के अंदर मैच को बुया कर भी पाता हूँ या फिर नहीं। बाकी ये ओबी अपडेट में चेंज के वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को मैच के अंदर चल के ही बताऊंगा। एंड हाँ, रैंक पुशिंग को शुरू करने से पहले हमारे चैनल के अंदर 29 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड हम लोग काफी ज्यादा करीब है 30 के सब्सक्राइबर्स के। एंड चैनल में रेगुलरली वीडियोस देखने वाले 92% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जैसे कोई भी नया एपिसोड या फिर वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलो हमारे इस सीजन में ग्लोरी पुशिंग के पहले मैच की तरफ चलते हैं। सो फाइनली डबल बैरल में वेपन ग्लोरी पुशिंग का मेरा यहाँ पे पहला मैच शुरू होता है बरमूडा मैप के अंदर एंड ये मैं अपडेट के बाद शायद दूसरा मैच खेल रहा था। एंड इस वाले अपडेट में काफी सारे चेंजेस आए हैं एंड उनमें से एक मेजर चेंज जो है वो है मैप के कलर के ऊपर। अभी मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे मैप के कलर से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अपडेट के बाद जो ये सर्वर इशू पिंग इशू आया है उसके ऊपर से एक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गेम खेलने में, उसके ऊपर से जो मेजर एक और प्रॉब्लम है कि लास्ट जोन में गाड़ी वाले बंदे काफी ज्यादा बचते हैं एंड कहीं पे मेरे पिंग इशू के वजह से या फिर कहीं पे एनिमी के पिंग इशू के वजह से हमेशा मुझे ही मरना पड़ता है। एंड इसी वजह से अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, मैं अगर वेपन ग्लोरी पुशिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा रैंक पुशिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि लास्ट जोन में ज्यादातर बंदे मॉन्स्टर ट्रक लेके ही घूमते रहते हैं एंड उनको शॉटगन से मारना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। एंड इसी वजह से मैं अभी के टाइम पे काफी सारे मैचेस में टॉप 10 या फिर टॉप 5 में आके एलिमिनेट हो रहा हूँ। खैर अभी बात करें अगर ये वाले मैच की तो यहाँ पे ब्लू जोन आता है ग्रेवियार्ड के ऊपर एंड मैं यहाँ पे जैसे ही लूट करना शुरू करता हूँ मेरे साथ 2 एनिमी और लैंड करते हैं जिनमें से एक बंदा एकदम ग्रेवियार्ड के पीछे के साइड पे तो चला गया था लेकिन एक और बंदा यहाँ पे मेरे ही घर के छत के ऊपर उतरा था। अभी यहाँ पे लूट करते हुए जैसे मैं ये वाले रूम के अंदर आता हूँ ऊपर से बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, साथ ही में इसी रूम के अंदर से मुझे शॉटगन भी मिलता है। एंड यहाँ पे जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है मैं काफी आराम से इसको 2 गोली मार के फिनिश करता हूँ, यहाँ पे मेरा पहला किल कम्प्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद मैं जैसे ही ग्रेवियार्ड को लूट करके निकलने ही वाला था ये जो दूसरा बंदा था वो गाड़ी लेके निकलने का ट्राई कर रहा था तो मैं यहाँ पे काफी आराम से इसका लैम्बोर्गिनी फोड़ता हूँ। अभी गाड़ी फूटते ही बंदा सामने के साइड पे जाता है तो मैं सोचता हूँ इसको M14 से थोड़ा सा डैमेज करके मैं शॉटगन से काफी आराम से इसको फिनिश कर दूंगा, लेकिन जैसे ये बंदा सामने के साइड पे आता है इसको लिटरली पहला ही गोली हेडशॉट लग जाता है एंड ये बंदा एक ही गोली में फिनिश हो जाता है। तो ये बंदे को मार के मैं जोन को फॉलो करते हुए आ जाता हूँ बीमा शक्ति की तरफ ये एल शेप के ऊपर एंड यही पे काफी देर तक जोन बनता रहता है। अभी काफी सारे एनिमी भी जोन पकड़ने के लिए इसी घर को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं इसलिए यहाँ पे एक बंदा जैसे ही रश करने आता है इसको मैं शॉटगन से थोड़ा सा डैमेज कर दो, फिर बंदा यहाँ पे पैक करके हील करने का ट्राई करता है लेकिन मैं यहाँ पे FGL का 2 MO मार के काफी सारा डैमेज भी करता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैकी का मार कर रहा था इसलिए जैसे ही बंदा घर के नीचे के साइड पे आता है मैं इसको फॉलो करता रहता हूँ, जैसे ही बंदा घर के अंदर आता है इसको मैं काफी आराम से फिनिश करता हूँ। अभी ये बंदे को मारने के बाद यहाँ पे फायरिंग का साउंड सुन के एक और बंदा रश करने आता है एंड ये बंदा यहाँ पे 2 फ्लैश फ्रीज मार के वेट करना शुरू करता है तो मैं भी इसको फ्लैश फ्रीज से ही डैमेज करता हूँ। फिर जैसे ये बंदा सामने आना शुरू करता है इसको मैं VSS से हेडशॉट बॉडी शॉट मार के काफी सारा डैमेज करता हूँ, उसके बाद शॉटगन लेके रश करता हूँ एंड क्योंकि ऑलरेडी मैंने बंदे को काफी सारा डैमेज दे दिया था तो ये 2 गोली में काफी आराम से फिनिश भी होता है एंड यहाँ पे मेरा एक और किल सिक्योर हो जाता है। एंड उसके बाद फिर से यही पे फायरिंग का साउंड सुन के एक और बंदा रश करने आता है जिसको मैं शॉटगन से थोड़ा सा डैमेज करता हूँ एंड ये बंदा लिटरली यहाँ पे एकदम घर के कॉर्नर पे जाके अपने आपको वॉल के अंदर पैक करता है तो इसको मैं FGL से काफी सारा डैमेज डील करता हूँ एंड बंदा यहाँ पे निकलने के लिए वॉल मेल्टर फेंकता है एंड जैसे इसका वॉल हटता है मैं काफी आराम से इसको शॉटगन से फिनिश करता हूँ। फिर यहाँ पे फाइट हो जाता है 1v1 का एंड इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ VSS का बॉडी बॉडी मार के, लेकिन उसके बाद बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश करने आता है तो मैं यहाँ पे गाड़ी में ही फायर करके बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर अपना गाड़ी उठा के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के साइड पे आ जाता हूँ। अभी ये बंदा भी मेरा गाड़ी डिस्ट्रॉय करके मेरे ऊपर रश करने आता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पहले इनहेलर मार के अपना काइरो चार्ज रखता हूँ एंड जैसे ये बंदा एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में मेरे ऊपर रश करने आता है मैं यहाँ पे जाइन का एबिलिटी ऑन करके इसके ऊपर रश करने जाता हूँ, लेकिन लिटरली इसको 2 गोली मारता हूँ फिर रिलोड करता हूँ एंड फिर और 2 गोली मारने के बाद फाइनली ये बंदा नॉक होता है एंड इसको फिनिश लेने के बाद यहाँ पे मेरा मैच बुया हो जाता है। एंड लिटरली यहाँ पे अगर मेरे पास जाइन का एबिलिटी ना होता तो मैं यहाँ पे गारंटेड बुया मिस करता क्योंकि अचानक से यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर डिले होता है जिसके वजह से हमेशा मेरा जो है डैमेज लेट काउंट होता है। खैर किसी तरीके से ये वाले मैच को बुया करने के बाद मैं नेक्स्ट वाला गेम शुरू करता हूँ जहाँ पे ब्लू जोन आता
जाता है रिमनम विलेज पे एंड यहाँ पे शॉटगन लूट करते करते जोन काफी आगे चला गया था। तो जोन में आते आते ही ऑलरेडी काफी सारे बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही पीक के तरफ आता हूँ, यहाँ पे छत के ऊपर से एक बंदा फायर कर रहा था एंड जैसे ये बंदा मुझे पीक देता है, मैं इसको काफी आराम से हेडशॉट बॉडी शॉट मारता एंड वीएसएस के चीप डैमेज से ये बंदा खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद पीछे के साइड पे जैसे ही फाइट शुरू होता है, मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने तो आता हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने वाला बंदा अपने एनिमी को मार के मेरे ऊपर फायर करना शुरू करता है एंड यहाँ पे मुझे काफी सारा डैमेज देने के बाद ये बंदा ग्रेनेड मार के मेरे ऊपर रश करने भी आता है। उसके ऊपर से पीछे से यहाँ पे जोन भी आता है जो कि काफी ज्यादा डैमेज डील कर रहा था, इसलिए मैं किसी तरीके से इनहेलर एंड मेडिकेट मार के अपना हील कंप्लीट करता हूँ। फिर जल्दी से तात्सुया मार के सामने के साइड पे आके ये बंदा जैसे ही मेरे सामने फायर करना शुरू करता है, इसको मैं एफजीएल से डैमेज करना शुरू करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एफजीएल में टोटल 4 एमओ थे एंड लिटरली मैं इसको चारों के चारों एमओ मार के काफी आराम से खत्म करता एंड यहाँ पे मेरे एफजीएल से एक और किल सिक्योर हो जाता है। अभी इसके बाद मेरे सामने आखिरी के दो बंदे बचते हैं। यहाँ पे मैं पहले तो डिसाइड करता हूँ कि ये दोनों बंदे जैसे ही फाइट करेंगे मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने का ट्राई करूंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ये नीचे वाला बंदा बाहर के साइड पे आता है, ये दोनों बंदे मिलके मेरे ऊपर ही फायर करना शुरू करते हैं। इसलिए पहले मैं यहाँ पे तात्सुया मार के सामने वाले बंदे पे रश करने जाता हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले बंदे के पास हाइट का एडवांटेज था। जल्दी से इसके ऊपर रश करके मैं दो गोली मार के डैमेज करता हूँ, फिर रिलोड करके काफी आराम से सोनी एक्टिव कराता है। यहाँ पे मेरा एक किल सिक्योर होता है। फिर नीचे वाला बंदा जैसे ही डैमेज देने का ट्राई करता है, इसको मैं वीएसएस मार के काफी सारा डैमेज डील कर देता हूँ एंड इसके बाद जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, मैं इसको वॉल के इधर उधर भगाता रहता हूँ। मेरे पास काफी सारा लैंडमाइन था जिनको मैं परफेक्टली प्लेस करता हूँ एंड उसके बाद जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, यहाँ पे ये लैंडमाइन से काफी सारा डैमेज होता है एंड इसको मैं शॉटगन से काफी आराम से नॉक करता हूँ। इसको फिनिश लेने के बाद मेरे एक और मैच यहाँ पे बुआ हो जाता है, लेकिन शॉटगन से मैंने ये मैच में ज्यादा किल नहीं किया था तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 70 का प्लस मिलता है, लेकिन रैंक के अंदर मुझे टोटल 31 का प्लस मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला मैच शुरू होता है, नेक्स्ट एरिया मैप एंड यहाँ पे ब्लू जोन आता है ग्रेव लैब्स पे, जहाँ पे उतरते ही मुझे स्कार एंड डेके मिलता है। उतने में यहाँ पे सामने के साइड पे एक बंदा लूट करने आता है, जिसको मैं स्कार का बॉडी हेड मार के काफी आराम से सोनिया एक्टिव कराता हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ पे दिमित्री यूज करके नॉक होता है। नॉक होने के बाद नीचे के साइड पे जाके रिवाइव भी हो जाता है, बट इसको फॉलो करके मैं नीचे के साइड पे आता हूँ, इसको फिनिश करते इसके पास से मुझे शॉटगन भी मिल जाता है। तो जल्दी से यहाँ पे शॉटगन लेके मैं ऊपर के साइड पे एक और बंदे का सोनिया एक्टिव कराता हूँ, लेकिन ये बंदा भी यहाँ पे दिमित्री यूज करके नॉक होता है एंड पीछे से एक बंदा यहाँ पे मेरा किल भी चोरी कर लेता है। अभी ये बंदा सामने के साइड पे था तो इसको मैं M14 से मारने का तो ट्राई करता हूँ, लेकिन इसको ज्यादा डैमेज नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे सीधा तात्सुया मार के इसके शॉट पे जाके रश करता हूँ, काफी आराम से इसको हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ एंड इसको मार के मैं लूट कंप्लीट कर ही लिया था, तो मैं ब्लू जोन से निकलने का डिसीजन लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड ये नए स्कैन वाले गैजेट की वजह से मुझे इसका लोकेशन भी काफी आराम से पता चल जाता है, तो इसको मैं काफी सारा डैमेज करता हूँ। जैसे ही बंदा सामने आता है, इसका मैं सोनी एक्टिव कराता हूँ एंड इसी के साथ ब्लू जोन में ही मैं शॉटगन का किल कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं जैसे ही आगे की तरफ जोन में जाता हूँ, एक बंदा यहाँ पे ऊपर के साइड पे कैंप कर रहा था, जो कि पहले मेरा गाड़ी फोड़ता है, मुझे भी काफी सारा डैमेज डील करता है एंड मैं यहाँ पे हील करने का सोचू, उससे पहले ही पीछे से एक बंदा गाड़ी लेके आता है, इसलिए किसी तरीके से यहाँ पे एक वॉल लगा के मैं हील करने का ट्राई करता हूँ, बट लिटरली ये बंदा फिर से मुझे मार के लिटरली 5 HP का छोड़ता है। बट किसी तरह यहाँ पे मैं एक सुपर मेडिकेट यूज करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक लॉन्च पैड था जिसको लेके मैं सामने के साइड पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ये बंदा मुझे काफी सारा डैमेज फिर से करता है एंड एक और बंदा जीप लेके आके मुझे पहले तो टक्कर मार के डैमेज करता है, फिर गाड़ी से उतर के मुझे फिनिश करता है। अभी यहाँ पे टॉप 11 में एलिमिनेट होने की वजह से मुझे शॉटगन में तो पूरा प्लस मिलता है, लेकिन मेरा बुआ मिस हो जाता है। तो इसके बाद मैं जल्दी से एक और मैच शुरू करता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही मुझे डबल बैरल मिल जाता है। अभी इसको लेके मैं एक बंदे के ऊपर रश करने तो जाता हूँ, लेकिन ये बंदा जैसे मिड में भाग जाता है, इसको मैं एक्समेट का बॉडी बॉडी मार के फिनिश करता हूँ। इसको मारने के बाद अंदर के साइड पे एक और बंदा रश करने आता है, जिसको यहाँ पे मैं दो गोली मार के डैमेज करता हूँ, फिर रिलोड करके और दो गोली मार के काफी आराम से फिनिश करता हूँ। इसको मारने के बाद जैसे मैं सामने आता हूँ, एक और बंदा यहाँ पे रिवाइव होकर सामने ही उतरता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से तात्सुया मार के इसके ऊपर रश करने जाता हूँ, काफी आराम से ये बंदे को भी बॉडी बॉडी मार के डैमेज करता हूँ, फिर रिलोड करके फिनिश करता हूँ। फिर यहाँ पे ये डिस्काउंट वाला इवेंट आया था, तो मैं वेंडिंग मशीन के अंदर से AWM परचेस करता हूँ, लेकिन इसको परचेस करके जैसे मैं सामने के साइड पे जाता हूँ, एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, ये बंदे को मैं भागता हुआ देखता तो, लेकिन जैसे इसके पीछे पीछे जाता हूँ, लिटरली ये बंदा अचानक से गायब हो जाता है एंड पहले तो मुझे लगा था ये बंदा नीचे के साइड पे चला गया होगा, लेकिन मैं अचानक से यहाँ पे जंप करके जैसे चेक करता हूँ, लिटरली ये बंदा सामने के साइड पे भाग गया था। तो यहाँ पे सामने आके मैं AWM से इसको डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्विच करते अचानक से यहाँ पे शॉटगन के जगह मेरे हाथ पे लॉन्चर आता है, जिसकी वजह से ये बंदा बच जाता है। लेकिन जैसे ये बंदा हील करना शुरू करता है, इसके ऊपर ड्रैकी का मार्क आता है, तो मैं यहाँ पे जंप करके काफी आराम से ये बंदे को फिनिश करता हूँ एंड इसको मार के ब्लू जोन क्लियर हो गया था। तो मैं यहाँ पे आगे के साइड पे आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश करने आ रहा था, जिसको मैं गाड़ी में एक गोली कनेक्ट तो करता हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ पे गाड़ी से टक्कर मार के सीधा यहाँ पे ऊपर के साइड पे
भागता है। एंड यहाँ पे जैसे ये बंदा हील करना शुरू करता है, इसके ऊपर ड्रैकी का मार्क आता है, तो मैं यहाँ पे FGL मार्क इसको काफी सारा डैमेज करता है, इसके ऊपर यहाँ पे रश करने जाता हूँ। एंड यहाँ पे ऊपर आते ही मुझे पता चलता है ये बंदा सेंटिनो लगा के नीचे के साइड पे भागा है, तो मैं यहाँ पे इसके सेंटिनो पे पहले लैंडमाइन लगाता हूँ, फिर यहाँ पे इसको डैमेज करने का ट्राई करता हूँ। एंड लिटरली AWM का एक गोली मारते ये बंदा फिर से वापस आता है, लैंडमाइन में फूट के मर जाता है। अब इसको मारने के बाद मैं सीधा जोन में आ जाता हूँ, इस वाले घर के ऊपर से ट्राई करता हूँ बंदों को स्नाइप करने का। एंड यहाँ पे पीछे से एक बंदा जैसे लैम्बोर्गिनी लेके आता है, इसको मैं AWM मार के एक गोली कनेक्ट करता हूँ, इसको लिटरली 216 का डैमेज लगता है। इसके बाद बंदा यहाँ पे बिना हील करे मेरे ऊपर रश करने आता है, क्योंकि अगर ये बंदा हील करता तो इसके ऊपर ड्रैकी का मार्क आता। एंड लिटरली एक 216 का डैमेज खाया हुआ बंदा यहाँ पे लैंडमाइन में भी डैमेज होता है, दो लैंडमाइन में। इसके बाद मैं इसको शॉटगन से भी डैमेज करता हूँ, बट ये बंदा नहीं मरता है। एंड जैसे ये बंदा मुझे मार के फिनिश करता है, लिटरली ये बंदे का हेल्थ देखो, अभी भी इसका हेल्थ ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा है। मतलब लिटरली सर्वर के नशे के वजह से यहाँ पे मेरा बुइया मिस हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले मैच में मैं यहाँ पे ब्लू जोन को इग्नोर करते हुए सीधा आ जाता हूँ आर्सेनल पे। एंड ये आर्सेनल को अनलॉक करके जैसे मैं लूट करना शुरू करता हूँ, मुझे सबसे पहले AWM तो मिलता है, लेकिन उसके बाद मुझे कोई शॉर्ट रेंज का गन नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे एक डिमित्री सोनिया वाला बंदा सीधा मेरे ऊपर MP40 लेके रश करके मुझे काफी सारा डैमेज डील करता है। एंड अचानक से इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कर जाता हूँ, जिसके चक्कर में ये बंदा मुझे मार के फिनिश करता है। लेकिन यहाँ पे रिवाइवल अभी भी ऑन था, तो मैं यहाँ पे रिवाइव होकर फिर से इसी घर के ऊपर लैंड करता हूँ। एंड ये घर के ऊपर उतरते ही मुझे किंगफिशर मिलता है। जैसे ये बंदा आर्सेनल को लूट करके बाहर के साइड पे आता है, एंड यहाँ पे मशरूम यूज करना शुरू करता है, मैं काफी आराम से इसको हेडशॉट बॉडी शॉट मार के सोनिया एक्टिव कराता हूँ, क्योंकि इसका दिमित्री कूलडाउन पे था, तो काफी आराम से ये बंदा फिनिश हो जाता है। तो इसके बाद मैं जल्दी से जाके अपना AWM एंड MP40 लूट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ इसी घर के ऊपर होल्ड करने के लिए। अभी ये घर के ऊपर मैं जैसे ही होल्ड करना शुरू करता हूँ, सामने के साइड पे एक बंदा जीप लेके आता है, इसको मैं गाड़ी के अंदर एक गोली कनेक्ट करता हूँ। फिर जैसे ये बंदा गाड़ी लेके भागने का ट्राई करता है, एक और गोली मार के काफी आराम से इसको फिनिश करता है। इसको मारने के बाद इसके पास शायद टोकन था, क्योंकि इसका टोकन यहाँ पे मार्क हुआ था। एंड एक बंदा यहाँ पे सेंटिनो मार के इसके ऊपर लूट करने आता है, एंड लूट करके ये बंदा फिर से यही जीप लेके भागने का ट्राई करता है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर इसको एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, फिर एक और गोली मार के काफी आराम से फिनिश करता हूँ। एंड इनको मार के लूट करने के बाद मैं फिर से यही गाड़ी लेके जोन कवर करने का ट्राई करता हूँ, साथ ही मैं टोकन कलेक्ट करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास डबल बैरल अभी भी नहीं था। एंड टोकन कलेक्ट करते हुए जैसे मैं यहाँ पे फैक्ट्री के ऊपर आता हूँ, एक बंदा यहाँ पे छत के ऊपर से मुझे काफी सारा डैमेज करता है। यहाँ पे जैसे मैं टोकन मशीन में जाता हूँ, ये बंदा मुझे और भी ज्यादा डैमेज करता है। एंड ये बंदा यहाँ पे नूब वॉक करते हुए जैसे मेरे सामने आता है, इसको मैं लिटरली पहला ही गोली हेड पे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा काफी आराम से एक किल सिक्योर हो जाता है हेडशॉट के साथ। इसके बाद गाड़ी लेके मैं जैसे जोन के तरफ जा रहा था, एक बंदा क्लॉक टावर के अंदर से मेरा गाड़ी डिस्ट्रॉय करता है। एंड उसके ऊपर से हद तब होती है, क्योंकि ये बंदा आयरिस यूज करके जैसे ही मारना शुरू करता है, मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे आता हूँ, यहाँ से भी एक बंदा फायर करना शुरू करता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सुपर मेडी यूज करके मिनी लॉन्च पर लगा के सीधा आ जाता हूँ जोन के तरफ। अभी जोन में आते ही मेरे पास काफी सारा टोकन था, तो मैं यहाँ पे वार चेस्ट पे आता हूँ, जहाँ पे काफी जल्दी मुझे शॉटगन भी मिलता है, साथ ही में हॉरिज लाइन भी मिल जाता है। तो इनको लेके मैं सीधा आ जाता हूँ ये घर के ऊपर रश करने, क्योंकि ये घर काफी अच्छा पोजीशन था जोन पकड़ने के लिए। लेकिन ये घर के ऊपर रश करते ही एक बंदा सामने से स्किल ब्लॉक करके मेरे ऊपर रश करने आता है, बट इसको मैं दो गोली मार के काफी सारा डैमेज करता हूँ। एंड ये बंदा यहाँ पे डर के अंदर के साइड पे जाके अपने आपको पैक कर लेता, तो मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे जाके अपने आपको पैक कर लेता हूँ। एंड ये दूसरे साइड पे आके AWM से मैं बंदों को डैमेज तो करता हूँ, लेकिन मुझे किल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे काफी देर तक बाहर के साइड पे एक ही बंदे को काफी सारा डैमेज लगातार करता रहता है। थोड़ी देर के बाद जैसे जोन श्रिंक करना शुरू करता है, मेरे पास यहाँ पे दो मॉन्स्टर ट्रक था, जिनमें से मैं यहाँ पे एक बुला लेता हूँ, इसको लेके मैं सीधा आ जाता हूँ सामने के साइड पे। अभी यहाँ पे बजे थे आखिरी के तीन बंदे, एक बंदा यहाँ पे सामने ही वॉल के पीछे था, जिसको मैं गाड़ी से काफी आराम से उड़ाता हूँ। इसको पहले तो काफी सारा डैमेज आता है, उसके ऊपर से ये जोन के बाहर चला गया था, तो काफी आराम से मुझे एक किल मिल जाता है। लेकिन इसके बाद आखिरी के दोनों बंदे मिलकर मेरा यहाँ पे गाड़ी फोड़ देते, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ऊपर के साइड पे आके एक और मॉन्स्टर ट्रक बुला लेता हूँ। अभी ये दूसरा ट्रक आते ही मैं जल्दी से इसको लेकर रश करने आता हूँ। यहाँ पे सामने के साइड पे दोनों ही बंदे मिल जाते हैं, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक बंदे को टक्कर मार के डैमेज करता हूँ, ये बंदा लिटरली मेरे ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। दूसरे बंदे को मैं यहाँ पे डैमेज करके जोन के बाहर फेंकता हूँ, जो कि जोन के बाहर नॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं पहले वाले बंदे को गाड़ी से टक्कर मार के डैमेज करता हूँ, जल्दी से उतर के हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। उतने में ये दूसरा वाला बंदा रिवाइव होकर जोन के अंदर आ रहा था, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर शॉटगन लेकर रश करता हूँ, काफी आराम से इसको मार के बुइया कर लेता हूँ। एंड ये मैच लिटरली परफेक्ट था, क्योंकि ये मैच के अंदर मुझे बुइया भी मिलता है, साथ ही में मेरे यहाँ पे दोनों ही गन के अंदर 100 का प्लस भी मिल जाता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले मैच के अंदर मैं यहाँ पे ब्लू जोन में 3 किल कंप्लीट कर लेता हूँ शॉटगन के साथ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे AWM ढूंढने आ जाता हूँ। एंड ये आर्सेनल के पास आते ही मुझे ये पेड़ के कवर में एक बंदा मिलता है, जिसको मैं गाड़ी से टक्कर मार के डैमेज करता हूँ। फिर बंदा जैसे भागने का ट्राई करता है, मैं इसको शॉटगन से फिनिश करता हूँ। फिर एक के बाद एक आर्सेनल ढूंढते ढूंढते मुझे फाइनली यहाँ पे AWM भी मिल जाता है। तो इसको लेके मैं जल्दी से आ जाता हूँ जोन में, जो कि बन रहा था टर्बाइन पे। अभी यहाँ पे सामने के साइड पे दो बंदे फाइट करना शुरू करते, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने। एंड ये दूसरा वाला बंदा
जैसे ही अंदर हील करने का ट्राई करता है, इसको मैं शॉटगन से डैमेज करता हूँ, फिर हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। एंड उसके बाद मैं जैसे आगे वाले घर के ऊपर आता हूँ, एक बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर रश करने आता है, जिसको मैं AWM से डैमेज करके शॉटगन मारता हूँ। बट ये बंदा लिटरली मुझे एक ही गोली का छोड़ता, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जैन की एबिलिटी ऑन करके एक सुपर मेडिकेट यूज करता हूँ, फिर मैं जल्दी से आ जाता हूँ बाहर इसके साथ फाइट करने। लेकिन उतना मैं यहाँ पे ऊपर के साइड से एक बंदा इसको मारने का ट्राई करता है, तो पहले मैं यहाँ पे सुपर वाले बंदे को AWM का हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आखिरी के दो बंदे बचते हैं, जिनमें से एक बंदा मॉन्स्टर लेके मेरे पास आ रहा था, तो मैं यहाँ पे लॉन्च पैड यूज करके आ जाता हूँ नीचे के साइड पे। यहाँ पे आने के बाद मुझे आखिरी के दोनों बंदे सामने ही मिलते हैं। अभी यहाँ से मैं ये मॉन्स्टर वाले बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे इसको FGL से डैमेज करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं AWM मार के भी इसको डैमेज करता हूँ। लेकिन ये बंदा भी M249 मार के मुझे काफी सारा डैमेज करता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सुपर मेड यूज करके हील कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद एक और बंदा मुझे सामने ही खड़ा हुआ मिलता है, तो इसको मैं हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फाइट हो जाता है 1v1 का। अभी ये आखिरी वाला बंदा गाड़ी लेके घूम रहा था, तो मैं इसको गाड़ी के अंदर मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा गाड़ी से उतर जाता है। एंड यहाँ पे मैं पहला शॉट मिस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा शॉट कनेक्ट हो जाता है, साथ ही में इसका वेस्ट भी फूट जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे FGL मारता हूँ, जिससे इस बंदे का सोनी एक्टिव होता है, एंड ये बंदा काफी आराम से नॉक हो जाता है। एंड उसके बाद ये बंदे ने वॉल लगा लिया था, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर रश करने जाता है, एंड ये रिवाइव होते ही काफी आराम से इसको मार के फिनिश करता हूँ। एंड यहाँ पे 8 किल के साथ मैच को बुआ करने के बाद AWM एंड डबल बैरल दोनों के अंदर ही 100 का प्लस ले लेता हूँ। तो अभी चलो देख लेते इतना सारा ग्लोरी पुश करने के बाद मेरे यहाँ पे स्कोर क्या हो चुका है। तो अभी अगर मैं स्कोर देखूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 नंबर पे आ चुका हूँ, वहीं पे स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं 24 नंबर पे चल रहा हूँ। वहीं पे अगर बात करूँ इंडिया लीडर बोर्ड की, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 400 पॉइंट पीछे हूँ इंडिया में आने के लिए। एंड कल मंडे भी है, तो मुझे उससे पहले किसी भी हालत में इंडिया के अंदर आना पड़ेगा, ताकि मुझे वेपन ग्लोरी का बैच मिल पाए। अभी कल मुझे वेपन ग्लोरी का बैच मिलेगा कि नहीं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाले एपिसोड पे। जो अगर आप लोग देखना चाहते हो, देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आज के लिए वीडियो को यही पे एंड करता है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।